मोती'स किचन आज हम बनाएंगे चिकन कटलेट्स जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। चिकन कटलेट बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है आइए हम उसे देख लेते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसे मैंने धोकर छोटे पीसेस में काट लिया है। एक प्याला हरा धनिया है कोरिएंडर लीव्स, चार हरी मिर्चे हैं, अगर आपको तीखा चाहिए तो इसमें एक और हरी मिर्च आप ऐड कर लीजिए। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, 2 टीस्पून लेमन जूस, 5 अंडे, ब्रेड क्रम्स है जो मेरे घर का बना हुआ है, मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल है, तेल है तलने के लिए और ये 2 सॉफ्ट ब्रेड है। अगर सॉफ्ट ब्रेड नहीं मिलते हैं तो आप 3 पीस स्लाइस ब्रेड भी डाल सकते हैं। आइए इसे बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सॉफ्ट ब्रेड को मैंने पानी में सोक करके निकाल लिया है। अब हम इसे चॉपर में इन सारी चीजों को डालेंगे, चिकन, ब्रेड, हरी मिर्च, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, हरा धनिया, इन सारी चीजों को अच्छी तरह ग्राइंड करना है। हमारा कटलेट का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। आइए हम कटलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लगाइए और कटलेट बनाना शुरू करिए। इक्वल साइज के कटलेट बनाइए। आप इसको क्रम्स लगाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे और फिर हम एक साथ ये कटलेट बन जाएंगे तो हम एक साथ इसे फ्राई करेंगे। इसे हम अब आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और फिर आधे घंटे बाद निकाल कर इसे फ्रीजर से फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्रीज हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अंडों को हमने फेंट कर नमक डालकर 1/2 टीस्पून पानी डालकर इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम कटलेट को इसमें डिप करके कटलेट फ्राई करना शुरू कर देंगे। कटलेट हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमारे कटलेट्स अब फ्राई हो चुके हैं और हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी और रेसिपीज देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक। Thank you.